सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम व्याकरण विषय का अध्ययन करेंगे। पर विषय पर आने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ सामान हैं, कुछ वस्तुएं हैं और आप देख रहे हैं। और आपको ये पहले बताया था कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्थान हैं, जितनी भी जगह हैं, हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है। आज अब आप जैसे ये चीज़ें हैं, इनका नाम आपको पता है, स्टेपलर है, चित्र है, चित्र में दो बच्चे हैं, एक का नाम अनु है, एक का नाम राहुल है, कुछ पेन हैं, एक गाड़ी है, कुछ पुस्तकें हैं, एक बोतल है। अब ये कौन हुए? व्यक्ति। ये सारी मेरे पास हो गई वस्तुएं और मैं अपने घर में हूँ, तो घर हो गया स्थान। तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ व्यक्तियों के नाम बताए, कुछ वस्तुओं के नाम बताए, अपने घर के बारे में बताया, घर स्थान है। तो व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। तो अगर प्रश्न आता है संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम आज इसका अंतर करेंगे। सबसे पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है बेटा? जब हम किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं, मेरे पास दो व्यक्ति हैं, हम इनके जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैंने आपको कहा था ये एक चित्र है, दो बच्चे हैं, बच्चे तो जातिवाचक होंगे। जहाँ हम विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान की बात करते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे यह अनु है तो अनु व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर यह लड़की है, जहाँ हम संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, एक कॉमन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। चित्र में दो बच्चे हैं तो बच्चे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अनु क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि अनु विशेष नाम है, बच्चे संपूर्ण जाति का नाम है, बच्चे तो सबके घरों में है। मेरे पास पेन है, पेन क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मैंने कहा कि मेरे पास सेलो का पेन है तो सेलो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे पास बोतलें हैं, पानी की बोतलें सबके घरों में है, सभी के घर में है। लेकिन जब मैंने कहा कि मेरे पास मिल्टन की बोतल है तो मिल्टन हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरे पास पुस्तकें हैं, पुस्तकें जातिवाचक संज्ञा। लेकिन जब मैंने कहा कि मेरे पास APC हिंदी पुस्तक है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि मैंने विशेष व्यक्ति का, विशेष कंपनी का नाम लिया। तो जब हम विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु की बात करते हैं, विशेष स्थान, जैसे मैं घर में हूँ, घर जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं NIT फरीदाबाद में हूँ तो NIT जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर समझ आ गया होगा। पुस्तकें जातिवाचक हैं लेकिन पुस्तक का विशेष नाम व्यक्तिवाचक है। बोतल जातिवाचक है लेकिन बोतल का विशेष नाम व्यक्तिवाचक है। मार्कर या पेन जो हैं वो जातिवाचक हैं लेकिन उनकी जो कंपनी का नाम है वो व्यक्तिवाचक है। जब हम विशेष नाम की बात करते हैं, बच्चे जातिवाचक हैं लेकिन उनका विशेष नाम व्यक्तिवाचक है। स्टेपलर जातिवाचक है लेकिन जब हम स्टेपलर की कंपनी की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक है। ठीक उसी प्रकार खिलौना जातिवाचक है। अंतर समझ आ गया होगा। अब आता है हमारा भाववाचक। भाववाचक के लिए मैं आपको कोई भी चीज उपस्थित नहीं दिखा सकती। भाव क्या है? जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे जब आपने कोई चीज़ खाई तो खाने में आपको पता चलता है बड़ी खटास है, खटास आपको खाने से महसूस हुई। बच्चा शरारती है, शरारती कोई उसके मुंह पे लिखा है कि मैं शरारती हूँ? नहीं बच्चे, जब आप उसके साथ रहे, जब आपने देखा कि वो तो छोटी छोटी सी बात पे भी शरारती कर रहे हैं, तो फिर आप कहोगे अरे बड़ा शरारती है ना। ठीक वैसे ही
चीनी में मिठास है। अब मिठास कैसे पता चलेगी? जब आप उसको पियेंगे किसी चीज़ को या किसी चीज़ को खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस चीज़ में मिठास है या नमकीन है। अब अगर मैं चीनी का बूरा भी रख दूँ और नमक भी रख दूँ, दोनों एक जैसे हैं ना, जब आप खाओगे और खा के जो आपके मन के भाव निकलेंगे वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो अब आपको समझ आया होगा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप सभी को संज्ञा समझ आ गई होगी। धन्यवाद।